आगे तीतर पीछे तीतर बोलो बोलो कितने तीतर, अंत काट कर शेष को उलट रखो हो सार, आदि कटे से साल हो बूझो सोच विचार। चाचा आपने कहा था कि हमारे लिए खिलौने लाएंगे, लाए कि नहीं? लाए हैं, अभी देता हूँ। कौन कौन से खिलौने लाए हैं चाचा? ये देखो, ये है बांसुरी और ये है बंदूक। दोनों लोग एक एक खिलौना ले लो। चाचा मैं बंदूक लूंगा, बांसुरी रघू को दे दीजिए। चाचा मैं तो बंदूक लूंगा, बांसुरी बिरजू को दे दीजिए। चाचा बंदूक हमें दीजिए, आप कहते हैं ना कि बड़े होकर देश के सिपाही बनना, इसलिए मैं निशाना लगाना सीखूंगा। अरे लड़ो मत, देखो बंदूक का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया जाता है। मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछूंगा, जो उसका सही जवाब देगा बंदूक उसी को मिलेगी, ठीक है ना? हाँ पूछिए चाचा। देखो एक पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी थी, एक शिकारी ने बंदूक से निशाना साधकर गोली चलाई, एक चिड़िया तो नीचे गिर गई। अब बताओ पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया बची? 9 बची चाचा। तुम बताओ बिरजू? 9 ही बचनी चाहिए चाचा। दोनों ने बिल्कुल गलत बताया। तो चाचा हमारी हारी, आपकी सही जवाब बताइए। सही जवाब तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों वादा करो लड़ोगे नहीं, मिलजुल कर खिलौनों से खेलोगे, ठीक है? ठीक है चाचा, हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अब बताइए, अब पेड़ पर एक भी चिड़िया नहीं बचेगी। क्यों चाचा? अरे भाई बाकी चिड़िया बंदूक की तेज फटाक की आवाज सुनकर उड़ नहीं जाएगी? हाँ चाचा, मेरा तो इस तरह ध्यान ही नहीं गया। हाँ चाचा, आवाज के हिसाब से तो आपका ही जवाब सही है, लेकिन चाचा बंदूक चलने पर फटाक की आवाज क्यों आती है? हमारे धनुष बाण और गुलेल में तो कोई ऐसी आवाज नहीं होती है। हाँ सही कहा, लेकिन बंदूक में एक दबी हुई स्प्रिंग होती है, जब हम बंदूक का एक खटका दबाते हैं तो स्प्रिंग छूट जाती है। स्प्रिंग के आगे लगा एक लोहे का नोकदार टुकड़ा बंदूक की नली से टकराता है तो बंदूक तेजी से हिलती है, इससे बंदूक के आसपास की हवा पर दबाव पड़ता है, ये दबाव कंपन के रूप में आगे बढ़ता हुआ हमारे कानों तक पहुंच जाता है और ध्वनि बनकर हमें सुनाई देता है। चाचा बंदूक तो दूर चलती है लेकिन उसकी आवाज हमें यहाँ तक सुनाई पड़ जाती है, यह कैसे होता है? बेटा जब बंदूक चलती है तो बंदूक के चलने से उत्पन्न हुए कंपन के कारण हवा पर दबाव पड़ता है, ये दबाव आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे हमारे कान तक पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने देखा होगा कि तालाब के पानी में अगर हम कंकड़ डालें तो उठती गिरती लहरें धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाती है, देखा है ना? हाँ चाचा देखा है, अब समझ गए। चाचा बंदूक की आवाज सुनकर चिड़िया उड़ क्यों जाती है? बेटा तुम्हें मालूम होगा कि हमारे कान के अंदर खाल का बना एक पर्दा होता है। हाँ चाचा, एक दिन मैं माचिस की तीली से कान साफ कर रहा था तो आपने कहा था कान में तीली मत डाला करो, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा, फिर कुछ नहीं देगा। हाँ चाचा, और एक सीख भी तो याद कराई थी बाबा ने। क्या सीख याद कराई थी बाबा ने, याद है कि नहीं? याद है चाचा। तो सुनाओ। बाबा ने याद कराया था, दांत में मंजन आंख में काजल, नितकर नितकर नितकर, नाक में उंगली कान में तीली, मतकर मतकर मतकर। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बंदूक की आवाज या तेज धमाके की आवाज सुनकर चिड़िया क्यों उड़ जाती है। देखो हमारे कान का संबंध नसों द्वारा दिमाग से होता है, जब तेज आवाज हमारे कान पर दबाव डालती है तो एक तेज झटका दिमाग पर लगता है। दिमाग का संबंध शरीर के तमाम हिस्सों से होता है, तेज झटका दिमाग पर लगते ही चिड़िया के परों और पैरों तक एक खतरे का संदेश पहुंच जाता है और चिड़िया उड़ जाती है। अरे बच्चों, तुमने चाचा को आते ही परेशान करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, कुछ खा पी के आराम तो कर लेने दो, उसके बाद में बातें कर लेना। अच्छा अम्मा। बिरजू जाओ देखो मैं रसोई में शरबत बना के रखा हूँ, जरा चाचा को ला कर तो दो। अरे चाचा पूरी तो बहुत ही गर्म है, जीभ जल गई। अच्छा रुक जाओ, ठंडी हो जाए तब खा लेना। हाँ ला। चाचा देखिए इतनी सब बर्फ डाल दें। नहीं बेटा थोड़ी डालो, ज्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता। चाचा
बस मुंह में रखते ही दांत एकने लगते है ना। हाँ बेटा। चाचा आप जो बंदूक और बांसुरी लाए हैं उससे कल हम सब दोस्तों को जादू करके दिखाएंगे। ये बंदूक और बांसुरी से जादू कैसे करोगे बेटा? चाचा पहले आप बताइए इन खिलौने जादू कैसे होता है? भाई मुझे तो नहीं मालूम, अब तुम ही बताओ। चाचा आप पहले हारी मानिए। अच्छा भाई हारी, अब तो बताओ। चाचा एक सवाल के जवाब में हम हारे थे, एक में आप हार गए, दोनों के पाले बराबर हो गए ना? हाँ हाँ पाले बराबर हो गए, अब तो बताओ। चाचा मैं अपने कल सब दोस्तों को इकट्ठा करूंगा और जहाँ खूब सारी चिड़िया बैठी होंगी वहाँ ले जाऊंगा, फिर बंदूक दाग कर सब चिड़ियों को उड़ा दूंगा, उसके बाद बांसुरी बजाऊंगा जिससे सभी चिड़िया वापस आ जाएंगी। लेकिन बेटा बांसुरी की आवाज़ सुनकर चिड़िया वापस कैसे आ जाएंगी? चाचा आपको पता नहीं, बाबा बजाते हैं, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी आवाज़ सुनकर सारे पशु पक्षी कृष्ण जी के पास खींचे चले आते थे। हाँ बेटा संगीत में जादू तो होता है लेकिन इसके लिए बहुत कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। कृष्ण कन्हैया की मुरली की मीठी तान सुनकर पशु पक्षी खिंचे चले आते थे। चाचा यह मीठी तान क्या होती है? बेटा जो स्वर या आवाज हमें अच्छी लगती है उसे हम मीठी तान कहते हैं और जो आवाज हमें अच्छी नहीं लगती उसे तेज या कर्कश स्वर कहते हैं। चाचा कोई आवाज सुनने में अच्छी लगती है और कोई नहीं अच्छी लगती है, ऐसा क्यों होता है? तुम लोगों ने शादी ब्याह में बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजते देखे होंगे और सुने भी होंगे। हाँ चाचा देखे हैं। उसी तरीके मेरा रेडियो कहाँ रखा है? हाँ। ये देखो ये जो मेरा रेडियो है इसमें भी ये छोटा सा लाउड स्पीकर होता है, ये लगा है ना? हाँ चाचा। अब अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारे कान के पास रख कर रेडियो को गाना सुनाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है चाचा। और कहीं वो बड़ा वाला लाउड स्पीकर तुम्हारे कान के पास रख दिया जाए तब तो चाचा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि कानों को हथेलियों से बंद करना पड़ेगा। तो देखो इससे स्पष्ट हो गया कि छोटी सतह से निकलने वाले कंपन चूंकि छोटे होते हैं हमारे कानों पर कम दबाव डालते हैं इसलिए हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, और बड़ी सतह से निकलने वाले कंपन बड़े होते हैं हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए वो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते। समझ गया ना? हाँ चाचा अब समझ में आया। अच्छा बिरजू तुम ये बताओ कौन कौन सी आवाजें तुम्हें अच्छी लगती हैं? चाचा जैसे शहनाई, तबले, सितार आदि की आवाजें। और कौन कौन सी आवाज रघु तुम्हें नहीं अच्छी लगती? चाचा जैसे ढोल और नगाड़े की आवाज। देखो इससे भी ये बात स्पष्ट हो गई कि छोटे पर्दे से निकलने वाली आवाजें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि तबले का पर्दा ढोल और नगाड़े की अपेक्षा छोटा होता है। चाचा ये शोरगुल की आवाज क्यों नहीं अच्छी लगती है? बेटा जब कई लोग एक साथ बोलते हैं तो छोटी छोटी सतह से निकले हुए कंपन मिलकर बहुत बड़े कंपन का रूप ले लेते हैं जो कि हमारे कान के पर्दे पर अधिक दबाव डालते हैं इसलिए हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो कई वाहनों से निकले हुए शोरगुल मिलकर बड़े और शक्तिशाली कंपन का रूप ले लेते हैं जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हाँ चाचा अब समझ में आया कि ऐसी आवाजें जो बड़े क्षेत्र के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं वही सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ बेटा और जो आवाजें छोटे क्षेत्र के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं वे हमें सुनने में अच्छी लगती हैं। अब देखो हमारा समाचार सुनने का टाइम हो गया, अब जाओ तुम लोग जाकर खेलो जब तक मैं समाचार सुन लूँ। अच्छा चाचा।